हेलो दोस्तों, त्रिवेणी पाकशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बैंगन का भरता, जो खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है और बैंगन बहुत ही हेल्दी भी होता है। और दोस्तों, सर्दियों के मौसम में बैंगन की क्वालिटी भी बहुत अच्छी आती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की इस रेसिपी की तरफ। दोस्तों, भरते के लिए यहाँ पर हमने सरसों का तेल लिया है, बारीक कटा हुआ हरा धनिया ले लिया है, दो मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, चार हरी मिर्च ली है, ये तीखी वाली हरी मिर्च है, आप ज़्यादा का इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा किलो के करीब हमने यहाँ पर एक बैंगन लिया है भरते का, और चार टमाटर लिए हैं, नमक ले लिया है स्वाद के हिसाब से, दो टेबलस्पून ताज़ा दही, डेढ़ टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, डेढ़ टेबलस्पून धनिया पाउडर, एक टेबलस्पून ग्रेट किया हुआ अदरक, 15 से 20 कलियाँ लहसुन की ली हैं, आधा छोटा चम्मच हमने हल्दी ले ली है, एक छोटा चम्मच जीरा, 4 से 5 लौंग, हाफ टी स्पून के करीब हींग, और हमने यहाँ पर दो सूखी लाल मिर्च को तोड़ लिया है। सबसे पहले बैंगन को धो लें, वजन में हल्के वाले बैंगन का इस्तेमाल करें। दोस्तों, कई लोग इसके सिर्फ 4 कट लगाकर इसे भून लेते हैं, पर बैंगन में अक्सर कीड़े होते हैं, इसके लिए इसे हम आधा कर रहे हैं, क्योंकि बैंगन में अक्सर कीड़े आते ही हैं। तो अच्छी तरह से इसे खोल कर देख लें, ये बिल्कुल साफ़ सुथरा है बैंगन। आप चाहें तो इसी कंडीशन में इसे भून सकते हैं, नहीं तो इसे इस तरीके से आधा कर लें, जिससे और भी सुविधा बढ़ जाएगी। बैंगन को हमने यहाँ पर आधा कर लिया है और काफ़ी अच्छा बैंगन निकला है ये। यहाँ पर हमने एक भारी तले का तवा ले लिया है, इसे गैस पर चढ़ा दिया है, और इसके ऊपर अब हम डालेंगे एक टेबलस्पून सरसों का तेल। आँच को शुरुआत में आप थोड़ा तेज़ कर लें, क्योंकि तवा गर्म होने में समय लगता है। तेल को अच्छी तरह से पूरे तवे पर फैला लें। यहाँ पर हम तवे का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गैस पर रखने वाली जाली सबके पास होती नहीं है। इसकी वजह से कई लोग ये प्रोसेस स्किप भी कर देते हैं और सोचते हैं कि जाली नहीं है, तवा सभी के घरों में होता है। और तवा जब अच्छे से गर्म हो जाए, तब इस तरीके से इसके ऊपर हम बैंगन को रख देंगे, साथ ही जो लहसुन हमने लिए उन्हें भी डाल देंगे, और जो टमाटर हैं उन्हें भी तवे पर एक एक करके जमा देंगे, क्योंकि हमें इन सभी चीज़ों को अच्छे से भूनना है। और तवे पर ये काम बहुत ही अच्छे से होता है, बहुत ही साफ़ सफाई से होता है। मोटे तले का तवा है, इसलिए हमने आँच को मीडियम कर रखा है। अगर आप पतले तवे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आँच को बिल्कुल धीमा रखें, और इन्हें आप थोड़ी थोड़ी देर में उलटते पलटते रहें। आपको इन्हें तब तक भूनना है जब तक कि ये सभी चीज़ें अच्छे से गल ना जाएं। इस पूरे प्रोसेस को करने में आपको 12 से 15 मिनट का समय आराम से लग जाएगा। हो सकता है आपको थोड़ा ज़्यादा भी लग जाए, क्योंकि गैस की आँच भी कम या ज़्यादा हो सकती है। अच्छी तरह से आप इन्हें चेक करते रहे और इस स्टेज तक आने पर भून लें। आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छे से सभी चीज़ें अच्छे से भून गई हैं। टमाटर की स्किन भी फट गई है, बैंगन भी अच्छे से गल गए हैं, लहसुन भी अच्छे से पक गई है। अब हम इन सभी चीज़ों को निकाल लेंगे प्लेट पर, क्योंकि इस वक्त ये काफ़ी गर्म है, तो इन्हें एक एक करके निकालें। और आप देख सकते हैं ना गैस गंदा हुआ है ना कुछ, और ये सभी चीज़ें अच्छे से तैयार हो गई हैं। सभी चीज़ों को निकालने के बाद इन्हें ठंडा होने दें, क्योंकि अभी ये काफ़ी गर्म है। बैंगन भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से भुन गया है, तो ठंडा होने के लिए इन्हें छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद ये काफ़ी अच्छे से ठंडे हो गए हैं। अब हम इनकी स्किन निकाल लेंगे टमाटर की। आपको इन्हें पानी में डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये आराम से हाथों से ही निकल आएगी, क्योंकि ये तवे पर हमने इन्हें सेका है, तो ये बहुत ही ज़्यादा काले भी नहीं हुए हैं। इस तरीके से टमाटर की स्किन को हमें निकालना है। सभी टमाटरों की स्किन आप इसी तरीके से निकाल लें। और अब हम बैंगन की स्किन भी निकालेंगे, ये भी बहुत ही आसानी से निकल आएगी, बस आपको इसी तरीके से इसे निकालना है, बिना किसी गंदगी के, बिना किसी ज़्यादा तामझाम के। ये काम आपका आराम से हो जाएगा, क्योंकि जब हम गैस पर भूनते हैं तो बैंगन बहुत ही ज़्यादा काला हो जाता है, फिर उसे हम पानी में डाल के निकालते हैं, प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाता है। ऐसा कर लेने से बहुत ही आसानी से काम होता है। आप देख सकते हैं बहुत ही जल्दी से ये स्किन अब हट गई है, और जो ऊपर वाला भाग है उस पर भी हम अगर थोड़ा सा भी काला है तो उसे निकाल लेंगे। इसी तरीके से हमें बैंगन भी तैयार करना है। यहाँ पर सभी चीज़ों की स्किन निकाल ली है, सभी चीज़ें अब तैयार हैं। अब हम टमाटरों को काट लेंगे। टमाटर को हमें बीच में से दो भाग कर लेने हैं, और इस तरीके से इन्हें काटना है। दोस्तों, जब आप टमाटर काटेंगे तो इनमें से काफ़ी सारा रस बाहर आएगा, क्योंकि हमने इन्हें भून लिया है। रस को आपको फेंकना नहीं है, रस को भी हमें इस्तेमाल करना है।
तो सभी टमाटर को काट के आप किसी बोल में ले लें, आगे वाले हिस्से को हटा लें, इसे इस्तेमाल ना करें। सभी टमाटर काटने के बाद हम लहसुन को भी काट लेंगे। अगर लहसुन की साइज़ आपने छोटी वाली इस्तेमाल की तो उन्हें साबुत रखें, वे बहुत अच्छी लगती हैं। और अगर बड़ी है तो आप एक से दो टुकड़े कर सकते हैं इस तरीके से जैसे हम कर रहे हैं। लहसुन को भी हमने तैयार कर लिया है और अब हम बैंगन को भी काट लेंगे। ये पीछे वाला हिस्सा जो होता है, कई लोग इसे खाना पसंद करते हैं, तो आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं भरते में, वरना आप हटा भी सकते हैं। और बैंगन को हमें इस तरीके से कट लगाने हैं और इसे अब हमें बिल्कुल बारीक काटना है। आप चाकू से ही इसे बारीक कर लें। पहले से बारीक कर लेने से हमें भरते में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी और बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। आप देख सकते हैं चाकू से ये काफ़ी अच्छे से मैश हो गया है। अच्छी तरह से जब ये मैश हो जाए तो इसे साइड में रख लें। यहाँ पर हमने गैस पर पैन पर को फिर से चढ़ा दिया है। इसमें हम डाल देंगे 4 टेबलस्पून सरसों का तेल। सरसों का तेल हमें अच्छी तरह से धुआं आने तक गर्म करना होता है, नहीं तो तेल की स्मेल बहुत ज़्यादा आती है। और दोस्तों सरसों का तेल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, तो भरते में आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। तेल जब गर्म हो जाए तो इसमें हम डाल देंगे नमक और गैस को बंद कर देंगे। नमक डालने से तेल का कच्चापन बहुत ही आसानी से दूर हो जाता है। और अब हमने गैस को फिर से चला दिया है, आँच को धीमी रखी है और इसमें हम डाल देंगे लौंग, साथ ही में जीरा। अच्छी तरह से जीरा को तड़कने दें और इसी में डाल देंगे हम अदरक जो हमने ग्रेट करके रखा है। आप चाहें तो अदरक के बारीक टुकड़े भी डाल सकते हैं। इसी में हम डाल देंगे प्याज। और प्याज डालने के बाद प्याज को हमें अच्छी तरीके से 2 से 3 मिनट तक मीडियम आंच पर भूनना है। भुने हुए प्याज की वजह से भरते का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो आप प्याज को अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट तक चलाते रहें मीडियम आंच पर, जिससे ये अच्छे से भुन जाएं। दोस्तों बैंगन जो है सर्दियों के मौसम में बहुत ही अच्छा आता है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, तो आप भरता ज़रूर ट्राई करें। और यहाँ पर हमने इसमें हरी मिर्च भी मिला दी है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्च की मात्रा ज़्यादा कर सकते हैं। और इसी में हमने हींग डाल दी है। हींग हमने शुरुआत में इसलिए नहीं डाली थी क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा गर्म था और गर्म तेल में अगर हम हींग डालते तो उसका पूरा फ्लेवर ख़त्म हो जाता है, इसके लिए अभी डाली है। अच्छी तरह से सभी चीज़ों को हम मिक्स करते रहेंगे और भूनते रहेंगे। दोस्तों बैंगन की सब्ज़ी में ढेर सारे मसाले होते हैं तो सब्ज़ी का स्वाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, तो आप इसमें मसालों में कंजूसी नहीं करें। और इसी में हम डाल देंगे सूखी हुई लाल मिर्च और अच्छी तरह से इसे भी हम 8 से 10 सेकंड तक भून लेंगे, क्योंकि प्याज को भूनते हुए हमें 3 से 3.5 मिनट हो गए हैं। और अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। आँच को बिल्कुल धीमी कर दें, जब भी आप मसाले डालें आँच को धीमा रखें। साथ ही में डाल दिया है धनिया पाउडर और अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें। तेज़ आंच पर मसाले डाल देने से मसाले जल जाते हैं, उनका स्वाद और रंग दोनों ही बदल जाते हैं, तो आंच को धीमा रखें। अच्छी तरह से मसालों को हम 3 से 4 सेकंड तक चला लेंगे। और इसमें अब हम डाल देंगे दही। यहाँ पर हम ताज़ा दही का इस्तेमाल कर रहे हैं, दही बिल्कुल भी खट्टा नहीं है। दही डाल देने की वजह से मसाले बहुत अच्छे से पकेंगे, साथ ही जो तेल हमने डाला है वो बहुत ही अच्छे से रिलीज़ होगा। आप देख सकते हैं दही डालने के बाद काफ़ी अच्छे से मसाले पक गए हैं और रंग भी बहुत अच्छे से तैयार हुआ है। और अब हम इसमें लहसुन डाल देंगे, जो लहसुन हमने भून कर तैयार कर रखी है, क्योंकि भुनी हुई लहसुन है तो पहले डालने की ज़रूरत नहीं रहती है। अच्छी तरह से लहसुन को भी मिक्स कर देंगे और अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर और इन्हें भी अच्छे से मिक्स करेंगे। दोस्तों टमाटर के टुकड़े अगर आपको मोटे लगते हैं तो आप इन्हें करछी की मदद से दबाकर छोटे कर सकते हैं। अच्छी तरह से हमने टमाटर को मिक्स कर लिया है और टमाटर को हम और थोड़ा गलाएंगे। उसके लिए इसमें हम डाल देंगे नमक। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से डालें। अच्छी तरह से नमक को मिक्स कर लें। नमक की वजह से टमाटर बहुत ही जल्दी से गल जाते हैं। और इस तरीके से प्रेस करते हुए टमाटर के बड़े टुकड़ों को भी तोड़ दें, क्योंकि भरते में ज़्यादा बड़े टुकड़े अच्छे नहीं लगते हैं टमाटर के या किसी भी चीज़ के। इस तरीके से आप प्रेस करते हुए इन्हें तोड़ लें, या फिर आप पलटे की मदद से इस तरीके से भी आप इन्हें तोड़ सकते हैं। ऐसा करने से टमाटर के टुकड़े भी टूट जाएंगे और इससे स्वाद भी बढ़ता है मसाले का। दोस्तों बैंगन जो है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, इसमें विटामिन बी विटामिन सी होता है। आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए ठंड के दिनों में, क्योंकि अभी इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी आती है।
इसके ढेर सारे गुण हैं, जब भी आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको बैंगन खाने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। और इसी में हमने डाल दिया है अब हरा धनिया, क्योंकि टमाटर काफ़ी अच्छे से मैश हो गए हैं, अच्छी तरह से मसाला पक चुका है अब हमारा, और बहुत अच्छे से टमाटर गल भी गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे तैयार किया हुआ बैंगन। बैंगन को हमने शुरुआत में ही काफ़ी अच्छे से मैश कर लिया है, इसके लिए अब हमें इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, आराम से ये मिक्स हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि बैंगन के जो छोटे छोटे पीसेज हैं वो कहाँ गायब हो जाते हैं इस मसाले में, बस इसका स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है बैंगन। तो अच्छी तरह से सभी चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून पानी। पानी डाल देने से इसमें नमी आ जाएगी और नमी आ जाने से मसाले बहुत अच्छे से पक जाएंगे एक बार के लिए फिर से, और साथ ही जो तेल अभी गायब आपको दिख रहा है वो फिर से रिलीज़ हो जाएगा। मिक्स करने के बाद इसे हम ढककर 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। 2 से 3 मिनट बाद आप देखेंगे कि तेल जो है किनारों पर आ गया है, भरता हमारा तैयार हो गया है, और आंच को हमने पूरे प्रोसेस में मीडियम ही रख रखा है, तेज़ आंच पर इसे बिल्कुल नहीं पकाया है। और अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया। हरे धनिए की मात्रा आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसमें हरा धनिया बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारा भरता तैयार है, हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, इसका कलर देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से तैयार हुआ है। और एक बार आप इसे बनाएंगे तो इसे आप 4 से 5 दिन तक फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं, जब आपका मन हो तब आप निकालें और इसे गर्म करके इसका आनंद ले सकते हैं। तो ये लीजिए, काफ़ी अच्छे से हमारा भरता तैयार है। आप इसे नींबू और प्याज के साथ सर्व करिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और आप इसे पूड़ी के साथ भी खा सकते हैं, पराठों के साथ, रोटी के साथ, ज्वार की रोटी, मक्के की रोटी, किसी के भी साथ आप इसका आनंद उठा सकते हैं, सभी के साथ बहुत अच्छा टेस्ट देता है। तो आप भी इसे बनाएं और अपने परिवार के साथ इसका आनंद लें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबा दें, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो ढेर सारा लाइक करें, अगर नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक करें। अपने एक्सपीरियंस हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो जल्दी ही मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खाओ पियो और स्वस्थ रहो।